हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लॉजिया एंड एस के स्टडी पॉइंट पर। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो रहेगा आर डी शर्मा का 6.2 एक्सरसाइज जो कि ट्राइग्नोमेट्री का है। देखिए, प्रीवियस वीडियो में 6.2 का फर्स्ट पार्ट मैं आपको दे चुका हूँ, जिक्स में के आपके फर्स्ट से सिक्स तक के सारे क्वेश्चन मैं कवर कर चुका हूँ। टेक्निकल इश्यू की वजह से वो वीडियो मुझे स्टॉप करनी पड़ी थी। अब इस वीडियो में जो मैं आपको देने वाला हूँ वो 6.2 का सेकेंड पार्ट रहेगा, जिसमें कि 7 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चंस को चलते हैं, आगे करते हैं सॉल्व, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस मतलब जो इस सीरीज का है। देखें क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि प्रीवियस के अकॉर्डिंग देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 है, और इस वीडियो के अकॉर्डिंग देखें तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 7 ही बोलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है कोसेक थीटा इज इक्वल टू, आपको दिया गया है कोसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 साइन स्क्वेयर थीटा प्लस 3 कॉट स्क्वेयर थीटा। देखें यहां पर आपको दिया है कोसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2, ओके और वैल्यू जो आपको बतानी है वो बतानी है 2 साइन स्क्वेयर थीटा प्लस 3 कॉट स्क्वेयर थीटा अपॉन 4 ब्रैकेट, यहाँ पर है टेन स्क्वेयर थीटा और यहाँ पर है आपका कॉस स्क्वेयर थीटा, यानी ये वाला पार्ट आपके सामने है और इस पार्ट की आपको वैल्यू बतानी है, यानी कि कोसेक से आपको वैल्यू निकाल लेनी है। सिंपल सा फंडा, यहाँ पर आपको कोसेक दिया है, कोसेक से मैं यहाँ साइन की वैल्यू निकाल सकता हूँ, वो होगी 1/√2। साइन की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस की भी वैल्यू आप निकाल पाएंगे, 1/√2 ही होगी। ओके, यहाँ साइन और कॉस की वैल्यू मिल चुकी है, तो आप टेन की और कॉट की वैल्यू देख लीजिए। टेन की वैल्यू आप देखेंगे तो 1 रहेगी और कॉट की भी वैल्यू 1 रहेगी। क्यों रहेगी 1, इसका भी रीज़न है। देखिए साइन अपॉन कॉस आपका जो है वो टेन होता है, अगर मैं इन दोनों को अपॉन में रखूंगा तो आपको वैल्यू जो मिलेगी वो रहेगी 1। ओके, तो वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी 1। अभी हम देख लेते हैं, यहाँ पर इसमें इन वैल्यूओं को रख देते हैं। देखिए 2 क्या रहेगा, 2 ओके, 2 साइन की वैल्यू जो रहेगी 1/√2 का स्क्वायर प्लस 3 कॉट की जो वैल्यू रहने वाली है वो रहेगी 1 का स्क्वायर अपॉन में 4, यहाँ रहेगा 1 का स्क्वायर रहेगा, ठीक है 1 का स्क्वायर रहेगा, ये 4 है ये ब्रैकेट से बाहर। कॉस की बात करेंगे तो कॉस की वैल्यू जो रहेगी 1/√2 रहेगी और इसका होल स्क्वायर। जब मैं इस ब्रैकेट को खोल दूंगा तो आपको वैल्यू जो मिलेगी 1/2 प्लस 3 यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको 4 1 माइनस 1/2 मिलेगा। ओके, जब मैंने इसे ओपन कर दूंगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा 4, यहाँ पे भी आपको मिलेगा 4 और यहाँ बचेगा 1/2, यानी 4 से 4 कैंसिल आउट, तो 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी कि आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर मिलने वाला है वो 2 मिलने वाला है भाई, क्या मिलने वाला है 2। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं और नोट करने के साथ फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, कॉट थीटा इज इक्वल टू आपको दिया गया है, कॉट थीटा इज इक्वल टू आपको दिया है √3 और आपको बताना है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। यानी कि आप देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि इसकी वैल्यू आपको बता देनी है। आपको जो वैल्यू दी गई है वो क्या है देख लेते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू √3 दिया है, ये तो दिया है सीधा सा फंडा। जब आपको ये दिया है यहाँ से आप टेन की वैल्यू निकाल लेंगे, टेन की वैल्यू जो रहेगी 1/√3 रहेगी। जब आपको कॉट और टेन की वैल्यू पता है तो आप यहाँ से टेन की वैल्यू के साथ आप यहाँ पर साइन की वैल्यू निकाल लीजिए, तो साइन से कॉस। देखिए जब हम जानते हैं टेन तो क्या होता है, टेन यहाँ पर हम देख लेते हैं पी बी पी और यहाँ एच एच बी, यानी कि ये इस तरीके से आप देख सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। तो यहाँ टेन आता है, टेन होता है पी अपॉन बी, क्या होता है पी अपॉन बी, पी है आपका 1 और बी है आपका √3, तो बी √3 और पी ये 1 तो ये 2 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो साइन की अगर हम बात करेंगे, साइन थीटा की अगर हम बात करेंगे तो पी अपॉन एच होता है, पी हमारे पास 1 है, एच हमारे पास 2 है, तो 1/2 हो जाएगा। कॉस की वैल्यू की बात करेंगे, कॉस वैल्यू बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1/4, जब मैं स्क्वेयर करूँगा तो साइन स्क्वेयर थीटा ये 1/4 हो जाएगा, यहाँ होगा 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1/4,
वन माइनस ये हो जाएगा इधर और ये वाला पार्ट हो जाएगा इधर, तो देखेंगे कि कॉस की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ हो जाएगा 3/4। ओके, ये हो जाएगा 4-1 यानी कि 3/4 यानी कि कॉस स्क्वेयर थीटा। क्या? कॉस स्क्वेयर थीटा। अगर हम बात करेंगे तो √3/2 हो जाएगा किसका? कॉस थीटा की वैल्यू। तो देखें 1/2 आपको ये वैल्यू मिली, कॉस थीटा की वैल्यू आप देखेंगे तो क्या मिलेगी आपको? √3/2 वैल्यू मिलने वाली है। तो देख लेते हैं अब इनको जो है हम रख देते हैं इस वाले पार्ट में। जब आप इस वाले पार्ट में इन वैल्यूओं को रख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा आपको दिया है क्या? देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कोसेक कहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा यानी कि साइन का अपोजिट होता है कोसेक, तो यहाँ मैंने निकाला नहीं था पहले, अब मैं निकाल लेता हूँ तो ये 2 हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा होगा आपका 2 का स्क्वायर, ओके, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप देख पाएंगे √3 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा √3 का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर थीटा। sec होता है cos का उल्टा, क्या होता है? cos का उल्टा। तो 2 अपॉन √3 हो जाएगा, 2 अपॉन √3 और इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर इस वैल्यू को प्रॉपर्टी को सॉल्व कर लेंगे तो 4 प्लस 3 अपॉन ये हो जाएगा 4 माइनस 4 अपॉन 3। ओके, जब मैंने इस बात को देखा तो यहाँ 7 आ जाएगा, 7/1, यहाँ पर देखेंगे 12, यहाँ पर 8/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8/3 हो जाएगा। यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, आपका जो क्वेश्चन होगा वो सॉल्व हो चुका है। 21/8 जो है इसका आंसर रहेगा। क्या रहेगा? 21/8 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका √3 tan थीटा। क्या? √3 tan थीटा है आपका। देख लीजिए यहाँ पर भी सिंपल फॉर्म में है, जो हमें वैल्यू निकाल लेनी है और उन वैल्यूओं को उस दी हुई कंडीशन में पुट कर देना है, देन आपका आंसर आ ही जाएगा। देख लेते हैं 3 tan थीटा है आपका। क्या है? √3 tan थीटा, √3 tan थीटा है आपके पास और यहाँ पर दिया है 3 sin थीटा। ये आपको वैल्यू दी गई है और इस वैल्यू से आपको ये सॉल्व कर लेना है क्वेश्चन को। देखिए बहुत ही इजी फॉर्म में है, यहाँ पर आपको बताना है किसका वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि इसकी वैल्यू बतानी है। सिंपल क्वेश्चन है भाई, √3 को ऐसे लिखूंगा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 sin थीटा। देखिए इस √3 से ये √3 टाइम कट गया, इस साइन से ये साइन कट गया, ठीक है। तो जब हम देखेंगे इस वाली वैल्यू को यहाँ लेंगे डिनोमिनेटर में, तो ये वैल्यू मिलेगी जो है 1/√3 = cos थीटा, यानी कॉस थीटा की वैल्यू आपको ये मिलेगी। अब आप बात आती है साइन थीटा की, तो साइन थीटा की जब वैल्यू चाहिए तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और ये होता है 1-sin² थीटा और यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा, आप इसे इधर लेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी आपको वो रहेगी 3-2, 2/3। क्लियर? तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू देखेंगे तो √3/√3/2 होगी, ये होगा, ये वाली वैल्यू मिल जाएगी √2/3। तो इन वैल्यूओं को भाई उठा के आपको यहाँ रख देना है और आपका आंसर हो गया। तो देखें √2/3 का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 1/√3 का होल स्क्वायर। जब इस बात को आपने देख ही लिया है तो ये हो गया 2/3, ये हो गया 1/3। जब मैंने एलसीएम किया तो 1/3 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, 1/3 आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने 3 cos थीटा = 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 sin² + 10² θ / 4 cos θ। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना, क्वेश्चन का आंसर अपने आप ही आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। देखें 3 cos θ है आपके सामने, 3 cos θ = 1 दे रखा है, सिंपल। आप यहां से क्या करेंगे, कॉस थीटा को ऐसे ही रखेंगे यानी कि 1/3 हो जाएगा, कॉस से आप साइन की वैल्यू निकाल लीजिए, कॉस से आप साइन की वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हो जाएगा 1/9, यहाँ हो जाएगा 1-sin² θ = यहाँ पर 1/9, तो यहाँ हो जाएगा 9-1/9 और इधर हो जाएगा sin² θ, यहाँ पर हो जाएगा 8/9 sin² θ और जब मैं बात करूँगा √2/3 तो ये हो जाएगा sin θ। ओके,
तो साइन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू ये मिल गई हमें, साइन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू ये मिली, कॉस की थीटा की वैल्यू यहाँ पर है। अगर कॉस स्क्वेयर की बात करूँगा तो यहाँ पर 1/9 हो जाएगा, कॉस उसके स्क्वेयर में है ही नहीं तो उसकी बात नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, दो वैल्यू हमें यहाँ मिल चुकी हैं, अब टेन थीटा की हमें वैल्यू निकाल लेनी है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारा टेन थीटा होता है, तो साइन की वैल्यू 2√2/3 है, यहाँ पर 1/3 है, क्लियर। ये इससे कटा तो आपका जो वैल्यू मिला वो 2√2 वैल्यू जो मिला है वो है टेन थीटा का, किसका, टेन थीटा का। अब आपको करना ये है कि इन सभी वैल्यूओं को उठा के इस वाली प्रॉपर्टी में रख देना है, ओके। जब मैं इस वाली प्रॉपर्टी में रखूंगा तो देखिए यहाँ पर मुझे क्या वैल्यू है, कॉस थीटा साइन थीटा, तो देख लेते हैं, 6 यहाँ पर है, 6 साइन स्क्वेयर थीटा, तो साइन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू जो है 8/9, क्या है 8/9, प्लस है आपके पास टेन स्क्वेयर थीटा, यानी कि इसका स्क्वेयर। आप जब इसका स्क्वेयर करेंगे तो स्क्वेयर करने पर आपको जो मिलेगा वो 8 रहेगा, ओके। अपॉन में आप देखेंगे 4 कॉस थीटा, तो 4 यहाँ पर है, 4 और कॉस थीटा की वैल्यू है 1/3, ओके, ये वैल्यू हो गई। यहाँ से देखिए 2 टाइम ये गया, 3 टाइम ये गया, ठीक है, तो ये हो गया आपका, तो 16/3 प्लस 8/4/3, क्लियर। तो यहाँ एलसीएम लेकर जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये आएगा आपका 40/3 4/3, 3 से ये गया, ये 10 बार गया, तो भाई 10 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का 10 ही आपका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 10 का 10 ही आपका आंसर है। ये सारी की सारी वीडियो मतलब सॉरी सारी की सारी क्वेश्चन की जो है प्रॉपर्टीज को मैंने पूरा किया, वहां पर आपका आंसर जो है 10 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या दिया है, कुसैक की वैल्यू दी गई है, किसकी वैल्यू दी गई है, कुसैक की वैल्यू दी गई है, और उन कुसैक की वैल्यू से आपको जो है साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लेनी है। तो आपको करना यह, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद करिएगा, हिंट दे रहा हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। करना यह है आप कुसैक को, कुसैक थीटा को जो आपको 13/12 दे रखा है, सॉरी 13/12 जो दे रखा है, इसे राइट एंगल ट्राइंगल में ले लीजिए, और राइट एंगल ट्राइंगल में लेने के बाद आप जो है साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। जैसे ही आप साइन और कॉस की वैल्यू निकालते हैं, इन साइन और कॉस की वैल्यू के जरिए से आप इस वाले क्वेश्चन में सारी वैल्यू लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं आता है तो मुझे कमेंट ड्रॉप करिएगा, उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ओके, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं भाई, ये सेम क्वेश्चन था, इस वजह से मैंने नहीं कराया भाई, आप इसे कर लीजिएगा, डोंट माइंड। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको जो वैल्यू दी हुई है वो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू में √2 कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा। भाई ये देख लीजिएगा आपका ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर ये क्वेश्चन कुसैक की जगह यहाँ पर कॉस है, यहाँ लिखा है कॉस है, ये कॉस ये राइट है आपका, वो रॉन्ग है, तो इस वजह से थोड़ा इसे देखिएगा, ठीक है। तो ये मैं लिखता हूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहाँ पर हो जाएगा √2 साइन थीटा, क्या हो जाएगा √2 साइन थीटा। अब मुझे करना क्या है, इसका वैल्यू का डिवाइड देना है, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा √2 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, ओके। साइन से साइन कैंसिल आउट, साइन से साइन कैंसिल आउट, ये होगा 1+cot θ इज इक्वल टू √2, क्लियर। जब मैं यहाँ से cot थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पर मिलेगा √2-1, दैट इज आंसर। यानी कि ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी हो चुका है। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करिए और मैं उनका सॉल्यूशन आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा।